हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद फिर दोबारा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले जो भी पढ़ाए हैं या जो ये चैप्टर पढ़ाए हैं, तो इसका पीडीएफ हमने एक टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये है टेलीग्राम ग्रुप, इस नाम से है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट नाम से, यही नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसको खोज करके इसमें ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी वैसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन लिंक से अक्सर मिलता नहीं है, आप सीधे सीधे चले जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। खोजेंगे, जैसे ही सर्च मारेंगे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, तुरंत आपको मिल जाएगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, अपकेंद्र बल। ठीक है, तो आइए अपकेंद्र बल शुरू करते हैं। तो अपकेंद्र बल क्या होता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? तो हम कहेंगे कि अपकेंद्र बल एक प्रकार का ये आभासी बल है, ठीक है, या हम कहेंगे कि कल्पित बल है। ये क्या है, एक प्रकार का ये कहेंगे कि कल्पित बल है, या काल्पनिक कह सकते हैं, कल्पित बल, या इसी को हम लोग कहेंगे फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, कल्पित बल बोलेंगे, फिक्टिशियस फोर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं आभासी बल, आभासी ये वाला होता है। इनमें ज्यादा स्याही पड़ गई है। ये जो होता है आभासी बल, इसको हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स, PSEUDO, स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये आभासी बल है, या स्यूडो फोर्स है, या हम कहेंगे कल्पित बल है, फिक्टिटियस फोर्स है। और ये लगता कहाँ है, तो ये हर जगह नहीं लगता है, सॉरी, ये लगता है केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये कहाँ लगता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये लगता है त्वरित निर्देश तंत्र में, ये लगता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें जो होता है ये लगता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि ये अपकेंद्र बल एक प्रकार का आभासी, या कह सकते हैं कि कल्पित बल है। ठीक है, जो कहाँ लगता है, केवल त्वरित निर्देश तंत्र, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार्य करता है। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया, ये शब्द है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि त्वरित निर्देश तंत्र। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा आपके लिए नया शब्द आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं, फिर त्वरित फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले देख लेंगे, जिसको हम लोग निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, निर्देश तंत्र। ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए, जैसे हम लोग ज्योमेट्री में क्या करते थे, निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु का पोजीशन बताने के लिए क्या करते थे, ऐसे हम लोग किसी बिंदु का पोजीशन बनाने के लिए एक क्या करते थे, निश्चित बिंदु मान लेते थे, स्थिर बिंदु, मूल बिंदु, जिसको हम करते थे इसका निर्देशांक 0, 0 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक निश्चित बिंदु मान लेते थे, किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष हम लोग क्या करते थे, उसकी स्थिति बताते थे। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो
किसकी स्थिति है, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए है इस। लेकिन जब किसी गति का वर्णन करना हो, किसी गति का के बारे में बताना हो, ठीक है, तो हम लोग ये निर्देश तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस बोलते हैं। ज़्यादातर आप फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस ही सुने होंगे, निर्देश तंत्र इसका हिंदी है, बहुत कम सुनने को मिलता है, फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस ही आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी गति का वर्णन करना होता है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझें, कैसे समझते हैं फ्रेम क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लेटफार्म है, ये क्या है, प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म है, ठीक है। और मान लो कि इस प्लेटफार्म से, ठीक है, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन की स्पीड कितना है, मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इस पे एक आदमी बैठा है, ठीक, और यहाँ प्लेटफार्म पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी यहाँ प्लेटफार्म पर खड़ा है, और साथ में यहाँ पर बगल में रास्ता गुजर रहा है, इस रास्ते में एक यहाँ पर कार गुजर रही है, ठीक है, यहाँ पर एक कार गुजर रही है, इस कार में भी एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये कार भी इसी की स्पीड से चल रही है। मान लेते हैं कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। अब देखिए, अब होगा ये कि जब ये प्लेटफार्म पर खड़े आदमी से पूछा जाएगा कि ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो ट्रेन में बैठा है उससे पूछा जाएगा कि ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ये कहेगा कि ट्रेन तो चली नहीं रही है, ट्रेन की स्पीड 0 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो 0 बता देगा। अच्छा, ये जो कार में बैठा है इससे पूछा जाएगा बताओ ट्रेन की स्पीड क्या है, तो ये कहेगा 60 की स्पीड से इसकी चली रही थी, ये कहेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए, मामला तो बिगड़ गया, तीन लोग तीन बात बता रहे हैं, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफार्म पर तो 100 किलोमीटर बता रहा, लेकिन जो ट्रेन में है वो क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है कि 0 किलोमीटर है, ट्रेन चल ही नहीं रही, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यही जो कार में है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किसको सही माना जाए। देखिए, ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है कि ये जो तीनों हैं, ठीक है, तीनों अलग अलग फ्रेम में हैं। ये जो गलती हो रही है ये अलग अलग फ्रेम में होने के कारण ही हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ट्रेन एक अलग फ्रेम हो गया, प्लेटफार्म एक अलग फ्रेम हो गया, ये कार एक अलग फ्रेम हो गया। तो गलती कहाँ से हुई थी कि तीनों अलग अलग बता रहे थे, गलती नहीं कहेंगे इसको, लेकिन होता क्या है, हम लोग आम भाषा में कह देते हैं कि ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ये अधूरा है। हमको पूरा क्या कहना चाहिए, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि गति हमेशा रिलेटिव होता है, गति एब्सोल्यूट नहीं होता है, ठीक है, ये किसी न किसी के सापेक्ष बताया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई बिंदु बताया जाता तो हमेशा इस दूरी के सापेक्ष, एक्स दूरी पर इतना चलो, वाई दूरी पर इतना चलो, ठीक है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी बताई जाती है। ठीक इसी प्रकार से गति जो होता है किसी फ्रेम के सापेक्ष बताया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है इसको क्या कहना चाहिए, एक स्थिर फ्रेम के सापेक्ष ये 100 किलोमीटर है, ठीक है, या प्लेटफार्म के सापेक्ष कहते, प्लेटफार्म स्थिर रहता है, तब हम कहते कि ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों तीन फ्रेम में है, तो ये एक ट्रेन एक यहाँ फ्रेम का कार्य किया, ठीक है, इसी तरह से ये प्लेटफार्म भी एक फ्रेम का कार्य किया, ठीक है, एक कार भी एक अलग फ्रेम हो गया। तो हम कहेंगे तीनों अलग अलग फ्रेम में हैं, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, तीनों अलग अलग वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्रेम क्या होता है, इन्हीं को हम फ्रेम तंत्र कह सकते हैं। हालांकि हम लोग जब यहाँ पर वर्णन करेंगे, ठीक है, तो ऐसे किसी को तो एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे कि ये ऐसे फ्रेम तंत्र बना देंगे, ऐसे
ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लो ये मूल बिंदु है ओ, एक दूसरा फ्रेम भी ले लेंगे, मान लो कि ये दूसरा, इसको कह देंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है, ये मान लो ओ डैश, इसका नाम अगर यस दे दिए तो इसका नाम यस डैश दे देंगे, अगर कहेंगे ये स्थिर है तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट है, रेस्ट है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अगर हम कहेंगे कि ये वी वेग से गतिमान है, ठीक है। तो अब इस तरह से इसको हम लोग ऐसे देंगे, तो यानी कि किसी फ्रेम को हमें डिनोट करने के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे उसके सापेक्ष ये तीन परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई जेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर फ्रेम वर्णन करते हैं और बोलेंगे कि इस फ्रेम के सापेक्ष इस गति की, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये फ्रेम की बात करते हैं। अब बात इसमें एक शब्द आ गया, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है, तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिखेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। ये दरअसल जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जड़त्व निर्देश तंत्र, क्या बोलेंगे, जड़त्वी, ठीक है, निर्देश तंत्र, जड़त्वी निर्देश तंत्र, या इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये रेफरेंस है शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जड़त्वी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी क्या खासियत है, जड़त्वी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, या हम कहेंगे कि यहाँ पर न्यूटन के नियमों का पालन होता है, क्या होगा, न्यूटन्स नियम, ठीक है, न्यूटन्स लॉ फॉलो होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स लॉ फॉलो होगा, किसमें, जड़त्वीय, ठीक है, निर्देश तंत्र में, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का नियम का पालन होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है, ये जो दूसरा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं त्वरित निर्देश तंत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं त्वरित निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय फ्रेम तंत्र, क्या बोलेंगे, त्वरित निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय फ्रेम तंत्र, इसी को हम लोग, यानी दूसरा नाम ऐसे भी कह सकते हैं, या अजड़त्वीय फ्रेम तंत्र और जड़त्वीय, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र बोलेंगे, निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला रेफरेंस इसके यहाँ पर था, ये रेफरेंस हो गया, इसके लिए क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर ई एफ लिख दिए, मीन्स रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही त्वरित निर्देश तंत्र, या उसी को कहते हैं दूसरे भाषा में अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, यानी कि क्या कहेंगे कि ये क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको मिटा देते हैं, ये अजड़त्वीय तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इसमें न्यूटन के नियम फॉलो नहीं होते हैं, यानी हमेशा ये एक्सीलरेटेड होते रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सीलरेशन होता है, इसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कहेंगे, ए बराबर जीरो एक्सीलरेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें कहेंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में क्या होगा, जब न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता, क्या कहेंगे, न्यूटन्स ला नॉट फॉलो, ठीक है, न्यूटन्स ला नॉट फॉलो, न्यूटन के नियम का पालन इसमें नहीं होता है, त्वरित निर्देश तंत्र, या उसी को हम लोग कहते हैं अजड़त्वीय, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज अपवाद है, ध्यान दीजिए, ये जो पृथ्वी है हमारा, ठीक है, इसमें हालांकि त्वरण तो होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी को हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, हम पृथ्वी को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। इसको
त्वरित नहीं मानते हैं, हालांकि त्वरण होता है लेकिन अपनी सुविधा के लिए और हर जगह है ये सर्वमान्य है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, किसको, अर्थ को, ठीक। अब यही जो त्वरण है, ठीक है, अब मान लीजिए एक तीसरा भी यहाँ हम बना देते, ठीक है, एक मान लो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश, ठीक है, मान लो ओ डबल डैश यस डबल डैश नाम से, ठीक है। तो मान लो इसमें एक्सेलरेशन होता, ठीक है, मान लो ये ए एक्सेलरेशन से ये त्वरित तो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्योंकि रेस्ट में है तो वेलोसिटी वैसे भी इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ये इनर्शियल हो जाएगा, ठीक है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ये कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा त्वरण नहीं होगा, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, बल्कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना था, हमको पढ़ना था अपकेंद्र बल। इसको इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये अपकेंद्र बल केवल और केवल कहाँ लगता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। अच्छा, इसका कहाँ हम देख सकते हैं उपयोग, दैनिक जीवन में सीधे सीधे इसका उपयोग देखते हैं कि अगर कार में बैठे रहें, ठीक है, और कार को जब अचानक आदमी ऐसे कार चल रही है, ठीक है, आप सीधे बैठे हैं, जैसे ही कार को मान लो वो इस साइड में मुड़ेगा तो जैसे ही मुड़ेगा आप सीधे ही गाँव गिर जाएंगे, ठीक है, इधर वो इधर मुड़ा आप इधर गिर गए, आप पर कोई बल तो नहीं लगा, किसी ने आपको धक्का भी नहीं दिया लेकिन फिर भी आप गिर गए, ठीक है। तो यहाँ एक बल का यहाँ आभास होता है कि कोई ना कोई बल की कल्पना कर सकते हैं, कोई ना कोई बल लगा जो आपको बाहर की ओर धक्का दिया, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं। नाम से ही पता, अप माने क्या होता है, दूर, ठीक है, अप माने दूर, केंद्र माने केंद्र, यानी जो केंद्र से दूर की लगे या केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपकेंद्र बल कहते हैं। अच्छा, अपकेंद्र बल को कैसे और समझ सकते हैं, क्या इसका मान आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आइए। अब तो शायद ये आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से आपको समझाया जा सकता है। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बात करते हैं अपकेंद्र बल के बारे में, इसको कैसे महसूस किया जाए, ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे महसूस किया जाए। प्रैक्टिकली भी हम लोग महसूस कर सकते हैं, ऐसे मान लो कि एक ऐसे वृत्ताकार मेज ले लिए, ठीक है, और मान लो कि ये मेज जो है ये स्थिर अर्थ के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ठीक है, और मान लो कि ये खुरदुरा इसका सतह है, इस पर एक हमने पत्थर रख दिया, ठीक है, ये क्या किया, एम द्रव्यमान का पत्थर रख दिया, इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक पत्थर रख दिया। तो अब ये क्योंकि खुरदुरा है तो पत्थर और इसकी सतह के बीच में कुछ घर्षण भी होगा, ठीक है, तो घर्षण होगा तो घर्षण के कारण इसमें अभिकेंद्र बल मिलता रहेगा, और ये वृत्ताकार पथ पर ये पत्थर भी ऐसे इसी के साथ वृत्ताकार पथ पर ये भी घूमता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब बताए, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आदमी पृथ्वी पर, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर पृथ्वी पर एक आदमी यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो ये इसे कहा जाएगा, ठीक है, ये बताओ ये पत्थर घूम रहा है कि नहीं, तो बोलेगा घूम रहा है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा कर दे इसी पर, ठीक है, इस पर खड़ा कर देते हैं, तो अब ऐसे में देखिए, जब हम इस पर खड़ा कर देते हैं तो अब देखिए ये तो पृथ्वी पर खड़ा है, ये तो एक इनर्शियल फ्रेम हो गया, अभी बताए भी हैं पृथ्वी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, लेकिन इसकी क्या है, हमेशा गति की दिशा बदल रही है इसमें, यानी त्वरण है, तो त्वरण है तो ये क्या हो जाएगा, यह एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा या एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जाएगा, ठीक है, ये अजड़ती तंत्र या त्वरित निर्देश तंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये पत्थर भी उसी पर है, ठीक है, तो ये जब अजड़त्वीय तंत्र में है तो यहाँ जो है अपकेंद्र बल दिखेगा, कैसे दिखेगा, आइए आपको दिखा भी देते हैं। मान लीजिए हम कहें कि इससे पूछें कि पत्थर बताओ घूम रहा है, तो ये उसी पर खड़ा है, जैसे पृथ्वी पर हम खड़े हैं और आपसे हमसे कोई पूछे कि बताइए आप घूम रहे हैं, तो पृथ्वी पर हम भी खड़े हैं आप भी खड़े हैं, तो क्या कहेंगे, हम तो नहीं घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो हम भी घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ, ठीक है, तो ऐसे इसको भी लगेगा पत्थर नहीं घूम रहा है,
ठीक है, लेकिन अगर ये कहेगा, इससे पूछा जाए तो बोलेगा कि पत्थर घूम रहा है, तो अगर पत्थर घूम रहा है तो निश्चित रूप से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु घूमती है तो उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अभिकेंद्र बल। इसका मान कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, अगर ये वी वेग से, वी कांस्टेंट वेग से घूम रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये अभिकेंद्र बल का मान एम वी स्क्वायर बाई आर हो रहा है। ठीक है, तो अब बताइए जब इस पर अभिकेंद्र बल लग रहा है और ये घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल किधर है, केंद्र की ओर लग रहा है, अंदर की ओर, और ये बांधा नहीं है, केवल थोड़ा सा घर्षण है लेकिन बांधा तो नहीं है। तो अभिकेंद्र बल जब इस पर लग रहा है इतना ज्यादा, तो ये क्या है कि क्यों नहीं ये केंद्र की ओर सरक रहा है। ठीक है, अगर ये केंद्र की ओर नहीं सरक रहा है, इसका मतलब अगर ये स्थिर है तो कोई वस्तु स्थिर कब रहता है, जब कोई न कोई एक बल के बजाय दूसरा भी उस पर प्रतिक्रिया बल लगता है। इसका मतलब निश्चित रूप से कहेंगे कि कोई न कोई एक बल बाहर की ओर भी लग रहा होगा ये बल। ठीक है, जिसका मान कितना हो जाएगा, तो अगर ये एफ है तो हम कहेंगे इसका मान माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दूसरा बल भी लग रहा होगा जो कि इसको संतुलित किया हुआ है। ठीक है, और यही बल को हम लोग क्या बोलेंगे, अपकेंद्र बल बोलेंगे। ठीक है, इसी बल को हम लोग अपकेंद्र बल बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग अपकेंद्र बल को समझ सकते हैं, या इसको और आसानी से भी समझ सकते हैं। अगर ये ना समझ में आया हो तो आप और भी आसानी से समझ सकते हैं कैसे। तो मान लो कि इसी मेज को लो, अगर घर्षण नहीं, घर्षण से दिक्कत है, तो मान लो ये एकदम चिकना है। ठीक है, ये मान लो एक इस मेज घूम रहा है, इसमें एक कील लगी है। ठीक है, ये मान लो एक एकदम चिकना है, इस बार घर्षण ही नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, तो ऐसे में मान लो कि ये पत्थर है, तो वैसे तो ये सरक के गिर जाएगा जब घूमेगा। ठीक है, क्योंकि घर्षण तो है नहीं, लेकिन मान लो एक रस्सी से ला करके इसको बांध दो, क्या करेंगे, रस्सी से बांध देंगे, तो क्या करेगा, रस्सी में फिर तनाव आ जाएगा, और यही तनाव बल क्या करेगा, इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, जो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा जो कि केंद्र की ओर लगेगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, इससे अगर पूछा जाएगा कि घूम रहा है, तो बोलेगा नहीं घूम रहा, लेकिन नीचे जो खड़ा है उससे पूछा जाए बताओ घूम रहा है, कहेगा हाँ बिल्कुल घूम रहा है। तो अगर ये इसे कहे ये बताओ जब ये घूम रहा है, ठीक है, इसके अनुसार जो इस पर खड़ा है बोलेगा अगर घूम रहा है तो इसके क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल लगना चाहिए। ठीक है, लग रहा है, तो बोलेगा जब अभिकेंद्र बल लग रहा है तो ये रस्सी में तनाव भी तो अंदर की ओर है, रस्सी तो तनाव है, तनाव मतलब खिंचाव ना, तो खिंचाव भी तो अंदर की ओर है, ये चिकना भी है, घर्षण रोक तो नहीं रहा है, घर्षण भी नहीं है, चिकना भी है, ये अंदर की ओर लग भी रहा है, तो क्यों नहीं ये खींच करके केंद्र की ओर आ रहा है, अस्थिर है। ठीक है, बाहर भी नहीं जा रहा, तो निश्चित रूप से हम इसलिए नहीं आ रहा है कि इस पर भी एक बाहर की ओर भी एक बल लग रहा होगा, इसी के बराबर, इसी के ठीक है बराबर परिमाण का एक बल लग रहा होगा, केवल विपरीत दिशा में, तभी ये बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसी बल को हम कहेंगे ये अपकेंद्र बल। तो कहीं कहीं ये अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल ही होता है अपकेंद्र बल। यहाँ देखिए अभिकेंद्र बल अंदर की ओर, तो बाहर की ओर उतना ही ठीक है परिमाण का बल लग रहा है विपरीत दिशा में, तो हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल का प्रतिक्रिया बल ही अपकेंद्र बल होता है, बशर्ते इसको हम लोग ठीक है आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है देखते नहीं है। ठीक, तो ये होता है अपकेंद्र बल, आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझ में आया होगा कि ये क्यों अंदर की ओर नहीं आता है, तो ठीक है बाहर की ओर। अब अगर इसी रस्सी को काट दिया जाए, जैसे ही रस्सी को काटेंगे टेंशन खत्म, तो अभी ये तो खत्म हो जाएगा, अब केंद्र बल तो लगा रहेगा ना। ठीक है, तो ये सीधे सीधे एक ठीक है अब केंद्र बल भी, जब अब केंद्र हटेगा तब केंद्र हट जाएगा, और ये सीधे सीधे ये जो ऐसे घूम रहा है ना, तो इसके स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा के पड़ता सीधे सीधी रेखा में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अपकेंद्र बल ठीक है अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया बल है। इसका मान कितना आना चाहिए, जैसा हम जानते हैं अभिकेंद्र बल का मान कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो चूंकि इसके विपरीत दिशा में होता है तो इसको हम कह सकते हैं माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। इसका भी मात्रक न्यूटन होगा, डायमेंशन फार्मूला वही होगा इसका अपकेंद्र बल का। तो ये रहा है आपके लिए अपकेंद्र बल। ठीक है, अब इसके उदाहरण भी हैं। ठीक है,
अब केंद्र बल के उदाहरण हम बता दे रहे हैं, आप वैसे भी सुन करके भी लिख सकते हैं और किताबों में से भी लिख सकते हैं, और कोई विशेष उदाहरण आप सीधे सीधे दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, ठीक है। क्या क्या उदाहरण देखते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में बता देंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा तो भी, या चलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है, दिक्कत होगी तो बताएंगे, अगली बार बता देंगे। देखिए इसके क्या उदाहरण हैं, ठीक है, उसके उदाहरण अपकेंद्र बल के, अपकेंद्र बल के उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रिप्टर को, इसके क्या उदाहरण हैं, तो देखिए नंबर एक उदाहरण तो वही है जो गोलाकार घूमने वाला झूला होता है जिसको मेरी गो राउंड बोलते हो, ये जो एक झूला होता है ना जिसे गोलाकार झूला झूलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे बीच में लगा रहता है और ये ऐसे जुड़ा रहता है, ये गोला ऐसे ये घूमता है वृत्ताकार पथ पर और इसमें रस्सियां लगी रहती हैं, ये रस्सियां पकड़ पकड़ करके लड़के बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, ठीक है। अब अगर कोई लड़का यहाँ से रस्सी छोड़ दे, ठीक है, जैसे ही रस्सी छोड़ेगा वो नीचे की ओर गिर जाएगा, कारण क्या है, ये अपकेंद्र बल, ठीक है, उसको बाहर की ओर खींच लेगा, ये रस्सी के सहारे ही रुका है, नहीं तो अपकेंद्र बल के कारण वो बाहर गिर जाता। एक कार वाला उदाहरण दे ही दिए हैं, दूसरा नंबर पर हम अभी जो है ये जो कार वाला उदाहरण दिए हैं कि कार पर बैठे रहो और तेजी से कार जा रहा है, जैसे ही मुड़ेगा तो जिधर मुड़ेगा उसके विपरीत दिशा में हम लोग फाटक की ओर गिरते हैं, कारण क्या है, वहां पर भी विपरीत दिशा में बाहर की ओर अपकेंद्र बल ही लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ये घूम रहा है, एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कार भी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा ये ड्रायर जो हम लोग आम घर पर कपड़ा सुखाने में इस्तेमाल करते हैं, ये जो ड्रायर होता है ये भी एक ऐसे सिलेंडर बना होता है जो कि एक अच्छ पटिया होता है, ऐसे नाचता है और इसमें जो है ऐसे जालीदार यानी कि छोटे छोटे सदी छिद्र बने होते हैं, क्या ये सब छिद्र होते हैं, हम लोग कपड़ा इसमें डाल देते हैं और क्या करते हैं इसको तेजी से घुमाते हैं, जब तेजी से घुमाएंगे सारे जो पानी होते हैं, ये पानी क्या करते हैं, पानी के कण सीधे बाहर आते हैं और यहीं से निकल करके अब केंद्र बल के कारण ही इन छिद्रों से निकल जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। तो इस तरह से अब केंद्र बल के बारे में बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, आप आएगा तो आसानी से लिख भी सकते हैं, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।